हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्वेल्थ फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ट्वेल्थ फिजिक्स के चैप्टर वन से चैप्टर थ्री तक चार महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इससे पहले मैंने आपको ट्वेल्थ फिजिक्स के चैप्टर वन से चैप्टर थ्री तक इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा दिया था, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इन दोनों चैप्टर को फुल्ली फाइनल पढ़ लिया है, ठीक है। यानी कि इनको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फुल चैप्टर इन वन वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग सर्च करेंगे, चैप्टर का नाम लिखिए, फिर पीछे चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन चैप्टर थ्री भी हम पढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो इस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो वही इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा फर्स्ट चैप्टर से होगा, दूसरा क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, ऐसे चौथा क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से, ऐसे हम चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का टारगेट है 1000 लाइक्स का। तो अगर 1000 लाइक्स पूरा हो जाता तो ऐसे ही आपको केमिस्ट्री के वीडियोज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी बताइए। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का आपको गणितीय रूप लिखना है और जो कुछ उसमें यूज किया था उन संकेतों का आपको अर्थ भी बताना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गॉस के प्रमेय मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए, ये आपका क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय होती है, ठीक है। यहाँ पर आप फाई ई भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो फाई ई हो, ये आपका जो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, ये फाई ई के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये होता है आपका गॉस का प्रमेय, या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, ठीक है। अब क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ये इसके बराबर होता है, तो ये भी आपका गॉस का प्रमेय ही है, ठीक है। तो ये आपका स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप है, ठीक है। गणितीय रूप पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस फार्मूले को लिखा, तो आपको यही फार्मूला लिखना है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए कहा है कि गॉस का प्रमेय यही है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए, बात आती है कि यहाँ पर ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर, तो ई वेक्टर जो है वो तीव्रता, ठीक है। ई वेक्टर क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डी ए वेक्टर क्या है, डी ए वेक्टर आपका है जो अल्प क्षेत्रफल, ठीक है। तो डी ए वेक्टर क्या है, आपका अल्पांश क्षेत्रफल है, ठीक है। जो आपने वैद्युत फ्लक्स लिया है, जो आपने गॉसियन पृष्ठ लिया है, उसका छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश भी इसको हम कहते हैं, डी ए वेक्टर को हम क्षेत्रफल सदिश भी कहते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू है आवेश, ये एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, समझ में आया। तो यही आपका गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है ये एक न्यूमेरिकल है, जो कि क्या है कि 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 और आपको आवेश की गणना करनी है। तो देखिए, हमें दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिख लेते हैं जो कुछ दिया गया है। पहले लिखिए, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, छोटा सा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन इक्वल टू हमें दिया गया है 12.5 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इसके बाद में हमें क्या दिया गया है, इसके बाद में हम जानते हैं कि ई यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, ठीक है, कूलाम। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, ई इक्वल टू हमें पता है। अब देखिए, आपको निकालना क्या है, आवेश की गणना करनी है, तो क्यू इक्वल टू हमें निकालना है। तो देखिए, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई।
देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, आपका क्यू निकल आएगा। एन कितना है ऊपर, 12.5 × 10^18, तो 12.5 × 10^18 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10^19, ठीक है, -19। तो यहाँ पर आपका होगा क्या, देखिए जब आप लोग क्यू इक्वल टू 12.5 और 1.6 का आपस में गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर फाइनली जो आएगा वो आएगा 20, ठीक है। 12.5 को 1.6 से गुणा कीजिए, 20 आएगा इंटू 10^18, ये 19 है। तो देखिए माइनस वाला अंक बड़ा है, ठीक है, जिसके आगे माइनस लगा है वो बड़ा है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, 18 में से 19 जाएगा, तो 10^-1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 10^-1 आपका आ गया, तो 10^-1 को हम अगर नीचे ले जाएं तो आपका ये आएगा 10। देखिए इसके ऊपर 1 है, इसको ऊपर ले गए थे 10^-1। अब 10^-1 को अगर हम नीचे लाएंगे तो आपका 10^-1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा। क्यू इक्वल टू जो आप बेस आ जाएगा वो आएगा 2 कूलाम, ठीक है, 2 कूलाम, तो यही हो जाएगा आपका आवेश, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप लोग इस फार्मूले की सहायता से किसी भी आवेश की गणना कर सकते हैं। क्यू इक्वल टू यानी जहाँ यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है तो आप आवेश की गणना कर सकते हैं, अगर आपको आवेश दिया गया है तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए क्या है, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पूरा लिख दिया है। संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, यानी कि जब आप संधारित्र में परावैद्युत का उपयोग करते हैं उसके बीच में तो उनकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। या इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि किसी संधारित्र की दो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि दो संधारित्र की प्लेटें हैं, एक मान लीजिए ये है, ठीक है, एक ये है। अब ये दो संधारित्र की प्लेटें हैं, मैंने आपको पहले ही बताया संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, मान लीजिए इसके बीच हम क्या रख दें, परावैद्युत पदार्थ रख दें। इस प्रकार से आपका परावैद्युत पदार्थ मान लीजिए हमने इसके बीच में रख दिया है, तो इस संधारित्र की धारिता पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए समझिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी कि सिंपली समझिए, देखिए संधारित्रों के बीच अगर हम परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र, यानी कि जो ये दो प्लेटें आपकी हैं ये और ये, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्यों, ठीक है, ई वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है क्योंकि इस पर प्लेटों पर आवेश होते हैं, ठीक है, जहाँ आवेश होंगे वहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र, इसके अंदर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसकी विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, ठीक है, तो इसकी विपरीत दिशा में, इस दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। यानी कि जो इसकी सतह है इस पर प्लेटों पर विपरीत आवेश होते हैं जिसके कारण आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब यह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो घट जाता है, ठीक है, और इसकी जो धारिता है वो बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि जितने आवेश होंगे उतनी ज़्यादा उसकी धारिता बढ़ेगी, क्योंकि क्यू इक्वल टू सी बी होता है, तो जितने क्यू अनुपमानुपाती सी, यानी कि जितना आवेश होगा उतनी उस चालक की धारिता होगी, तो वही आपका होगा, ठीक है। यानी कि समझिए संधारित्र की प्लेटों के बीच जब हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, सभी को पता है। अब जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसकी विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, और जब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है और इसी के कारण धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही कहा गया कि संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थर्ड चैप्टर वैद्युत धारा से है। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6×10^6 चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घूम रहा है, अब लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको चक्करों की संख्या दी गई है, कितने चक्कर प्रति सेकंड, 6×10^6 चक्कर प्रति सेकंड, तो आपको एन दिया गया है, ठीक है, एन आपको दिया गया है 6×10^6 प्रति सेकंड, ठीक है, 6 चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है।
यानी कि आपको चक्करों की संख्या दी गई है कि 6×10^6 चक्कर प्रति सेकंड जो है एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में इतनी दर से घूम रहा है। अब लूप में आपको प्रवाहित धारा निकालनी है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। प्रति सेकंड, देखिए 6×10^6 चक्कर प्रति सेकंड, तो समय कितना दिया गया है 1 सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड का मतलब समय हमें 1 सेकंड दिया गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम ई से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10^-19 कूलाम होता है। ठीक है, अब इतना आवेश होगा तो आपको निकालना है धारा का मान, तो आई आपको निकालना है। आई है धारा। ठीक है, धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। तो देखिए चक्करों की संख्या हमें दी गई थी 6×10^6 चक्कर प्रति सेकेंड, समय दिया गया है प्रति सेकेंड, तो हम क्या करेंगे 1 सेकंड समय लेंगे। ठीक है, चक्करों की संख्या 6×10^6 चक्कर दी गई है, प्रति सेकंड ना लिखें तो भी अच्छा है। ठीक है, ई है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सभी को पता है 1.6×10^-19 कूलाम होता है, हमें आई निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि Q=Ne होता है। ठीक है, Q=Ne होता है, तो एक फार्मूला आपको और भी पता है, मैंने आपको बताया था Q=IT। ठीक है, जब मैं आवेश का परिभाषा आपको डेफिनेशन बता रहा था तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस Q के जगह पर हम IT लिख देते हैं। ठीक है, तो Q=IT, IT=NE। ठीक है, अब यहाँ से हमें धारा निकालनी, तो हम I लिख देंगे केवल, और इस T को इधर ले आएंगे, तो इधर T गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए इसी फार्मूला से हमने एक फार्मूला और बना लिया Q=NE, क्योंकि Q=IT होता है। अब आई हमें निकालना है तो टी को इधर ले आइए, बाकी वैल्यू रख दीजिए। तो आई देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ एन, एन हमें दी गई है ऊपर 6×10^6, तो 6×10^6 × ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6×10^-19 अपान क्या है टी है, टी हमें दिया गया है 1, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर I=2 आपका आ जाएगा, 6 का इससे गुणा हो जाएगा, तो 16×96 तो 9.6 आ जाएगा। ठीक है, 10^6 है, ये 19 है, तो क्या होगा, ये वाला ज़्यादा है 19 वाला, तो माइनस वाला चिन्ह रहेगा, माइनस प्लस माइनस, तो 19 में से 16 घट जाएगा, तो 10^-13 चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9.6×10^-13, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एक से कोई दिक्कत नहीं है, एक आपका एक ही रहेगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी धारा की कि 9.6×10^-13 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। सिर्फ एक फार्मूला याद रखना Q=NE, एक फार्मूला Q=IT। ठीक है, जहाँ आई धारा है, टी समय है, यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह के अगर आप केमिस्ट्री की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपको लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ रेगुलर ला सकें।